इनर व्हील क्लब कैथल क्वीन की महिलाओं ने कैथल के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला चेयरमैन सुजाता आहूजा पहुंची। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जिला प्रधान डिंपल जिंदल को क्लब का टैग पहनाया गया। इनर व्हील क्लब का मेन मकसद समाज में जरूरतमंदों की सहायता करना है। आइए दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम। धमाका, 30 अगस्त तक जिंदल कंपनी का सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी के साथ 20,000 रुपए की छूट। मैं सुजाता आहूजा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308। आज मैं यहाँ कैथल सिटी में आई हूँ। यहाँ पे लास्ट मंथ जुलाई में हम लोगों ने एक नया कैथल क्लब बनाया था इनर व्हील कैथल क्वीन के नाम से, जहाँ पे 14 लेडीज ने पहले एक ग्रुप बनाया और उन्होंने देखा कि इनर व्हील समाज सेवा में बहुत कार्य करते हैं, तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि हम भी एक ग्रुप बनाते हैं और जहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट हो या बच्चों की एजुकेशन हो, किसी के इलाज के लिए हो, हेल्थ हो, हाइजीन हो, एनवायरनमेंट हो, हम सब जगह काम करते हैं जैसे जैसे हमारी डिमांड आती है। तो मैं आज इनके अधिष्ठापन समारोह के लिए यहाँ पे आई हूँ। इनको आज कॉलर बनाया गया, ये हमारी संस्था का रूल है और कोई भी प्रेजिडेंट होता है वो एक साल के लिए बनता है। हमारा सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, तो ये अब पूरा साल ये ही प्रेजिडेंट रहेंगी और इनकी अपनी टीम बनी है और इनकी टीम की देखरेख में ये प्लान करेंगे कि हमें अपने नगर को अच्छा बनाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, या कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है मगर वो पढ़ना चाहता है, वो इच्छुक है, तो उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो जो कार्यक्रम यहाँ करेंगे वो तो यहाँ की जो ये प्रेसिडेंट सविता जिंदल जी आज बनी है वो बताएंगी कि क्या क्या वो यहाँ पे प्रोग्राम्स करे हैं और कुछ प्रोग्राम्स ये कर भी चुके हैं। पिछले 2-3 महीने ही इनको हुए हैं। इन्होंने शायद छाया के नाम से एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें छतरियां बांटी थी बरसात में, और एक इन्होंने ग्रीन प्लांटेशन में भी करा है, एनवायरनमेंट पे भी, और शायद कावड़ सेवा में भी इन्होंने काफी काम किया। तो आगे भी जैसे इनसे शहर में बन पाएगा ये करेंगे ये लोग काम। तो मैम, जैसे आपने बताया कि कैथल में इसकी शुरुआत हुई है, और महिलाएं इसके साथ इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहें, कैसे जुड़े और क्या कुछ इसकी? तो ऐसे आपको मैं बताना चाहूंगी, कैथल में ये तीसरा क्लब है, इनर व्हील की ये तीसरी शाखा खुली है। हमारा बहुत पुराना कैथल क्लब इनर व्हील कैथल के नाम से चलता है, जिसकी चेयरमैन हमारी ये पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठी है, वो वहाँ की मेंबर हैं। कितने साल पुराना शालिनी जी आपका? 40 साल से। ये अब कल 40वां साल मना रहे हैं। तो ये कैथल में ये सेवा बहुत सालों से हो रही है, पर क्या होता है कि जब एक ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर एक और ग्रुप पनप के आया कि उन्होंने कहा हमें भी करना है, तो वो कैथल शाइनिंग स्टार के नाम से भी एक क्लब है इस शहर में। अब ये तीसरा ग्रुप आया है तो अच्छा है ना, जितने ज्यादा लेडीज एकत्रित होकर अलग अलग एरिया में काम करेंगी उतना ही शहर को, शहर के वासियों को, या आगे जो बस्तियां बनी हुई हैं, गरीब जो स्लम एरिया बने हुए हैं वहां पे लोगों को उतना ही फायदा होगा। तो कैसे जुड़े? तो 3 क्लब हैं, तो किसी भी क्लब में अप्रोच कर सकते हैं। अगर इनके जानने वाले इन्हें अप्रोच करेंगे, शालिनी जी के जानने वाले उनको करेंगे, और रंजू मारवा है कैथल शाइनिंग स्टार में, वो प्रेसिडेंट है। तो इस तरीके से किसी को भी अप्रोच करते हैं, हम बायोडाटा मंगाते हैं, देखते हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या वाकई में वो समाज सेवा करना चाहती हैं या केवल नाम के लिए जुड़ना चाहती हैं। तो हम भी ऐसे ही नहीं कि हर एक को मेंबर बना लेते, जो वाकई में इच्छुक होता है समाज सेवा, क्योंकि तन मन धन से हमें इसमें काम करना है। हमें किसी गवर्नमेंट से सहायता नहीं मिलती, फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता, हम लोग स्पॉन्सरशिप्स ढूंढते हैं। तभी अभी मैडम आई थी तो उनको बोला गया कि आप कुछ स्पॉन्सर करिए, हमें एक चौक हम भी तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने काम करते हैं मिलजुल। जो आज मेरी फ्रेंड्स ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है तो मैं चाहती हूँ कि विश्वास पर खरा उतरूँ। इनर व्हील क्लब एक सामाजिक संस्था है जो जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करती है। हमारे सब फ्रेंड्स का यही है भी एक साथ मिलके जितने भी जरूरतमंद हैं उनकी सहायता कर सके, उनकी हेल्प कर सके, भी जिसको भी जिस चीज़ की जरूरत है जो हम कर सकते हैं सारे फ्रेंड्स मिलके हम वो सब कर सामाजिक कार्य। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और मैंने ये सच में नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पर कैथल जैसे शहर में पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज, और जो एक एनजीओ की तरह भी काम करती है शहर लोगों की हेल्प करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है ये सोचकर, और हमारे मोदी जी के बारे में कहूँ वो तो चाहते ही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े।
और ये एक छोटा सा एग्जांपल सेट होता है और लेडीज के लिए कि जो सिर्फ सोचती है कि किटी पार्टीज एक फ्री का काम है, औरतों को घर से निकलने के लिए चाहिए, पर उन औरतों को आप कम से कम एक बार तो ये समझाना कि हम सिर्फ फ्री वे नहीं करते, हम लोगों की हेल्प भी करते हैं, हम एक एनजीओ की तरह काम करते हैं जो दूसरों की मदद के लिए बने। और यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया, एक हॉनरी मेंबर बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और जो आपकी छोटी सी डिमांड है वो अभी तो बहुत मुश्किल है पूरी करनी, क्योंकि आप सभी को पता है कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगी हुई है। 4 अक्टूबर के बाद आप मुझे दोबारा बुलाना ऐसी किसी फंक्शन में, उसके बाद ये डिमांड आप रखना और इसके बाद हम डिमांड पूरा जरूरी बिल्कुल। और सुंदर सा जो आपने डायग्राम बनाया बिल्कुल उसी तरह हम अपनी जेई और एमवी की पूरी टीम को भेजेंगे और वो पूरी आपका